गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। प्रिय साधको दोस्तों, जय माता दी। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को प्रणाम करता हूं। हमें जो ईश्वर ने सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा उपहार दिया है, वो है हमारे मन की शक्ति, कल्पना की शक्ति, आज्ञा चक्र की शक्ति, कलेक्टिव माइंड की शक्ति, आपके ब्रेन की शक्ति। आप दोस्तों अपने बलबूते से कुछ भी कर सकते हो। जो आपकी विचार की शक्ति है वो आप में क्रांति लाती है। आपके विचार ही आपको बनाते हैं, आपके विचार ही आपको गिराते हैं। जैसे बहुत से महापुरुषों ने कहा है कि आप अपने विचारों से, अपने कर्म से देवता बन सकते हो, देवता से भी ऊंचा जा सकते हो, और अपने ही कर्म से जब गिरने लगते हो तो राक्षस को भी, शैतान को भी शर्म आती है कि इंसान भी ऐसा गिर सकता है। आपको ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है, साधना करनी है, उससे पहले अपने विचारों को बहुत ही शुद्ध करना है। जैसे जैसे आपके विचार प्योरीफाई होंगे, आप देखेंगे कि आप जीवन में बहुत आगे बढ़ने लगे हैं, जीवन में बहुत आगे निकलने लगे हैं। जब आप अपनी माता के साथ सिंसियर होंगे, पिता के साथ सिंसियर होंगे, बच्चों के साथ सिंसियर होंगे, अच्छे पिता होंगे, अच्छी माता होंगी, अच्छी बेटा होंगे, अच्छी बेटी होंगे, अच्छे फ्रेंड होंगे, अच्छे हस्बैंड होंगे, अच्छे वाइफ होंगे, अच्छे वर्कर होंगे, अच्छे खाना बनाने वाले होंगे, अच्छी जॉब करने वाले होंगे, जब आप अपनी जॉब पे, अपने रिश्तेदारों पे, रिश्तेदारों से, अपने कारोबार में सिंसियर रहते हैं, तो फिर उस परमात्मा के साथ भी आप सिंसियर होने लगते हैं। जब आपका दुनियावी रूप से प्यार होने लगता है, आपका उसके साथ भी प्यार फिर होने लगता है। धीरे धीरे पता चलता है आपको जो झूठा प्यार है। आपका पेड़ों से, पौधों से, पक्षियों से प्यार होता है तो आप समझ लो उसके साथ धीरे धीरे रूबरू होने लगते हैं। तो मैं जब आपको संकल्प करने को कहता हूं, आपको विजुलाइज करने को कहता हूं, पिक्चराइज करने को कहता हूं, तो आप शुभ का संकल्प करना। जैसे आप बीमार हो, आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, कोई दोस्त मित्र भाई बंधु बीमार है, तो आप जब संकल्प करोगे उसके लिए, एक्चुअल संकल्प अपने लिए होता है, दूसरों के लिए हीलिंग होती है, तो जब आप उसके लिए हीलिंग करोगे, आप उसके लिए सोचोगे, विचार करोगे, तो उसकी अच्छी हेल्थ की प्रेयर करना। जैसे आपने उनको तंदुरुस्त देखा, आपने उनको अच्छा देखा, उससे भी अच्छी विजन करना कि भगवान ये तंदुरुस्त हो गए, आपने कृपा कर दी महारानी, आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो आप ऐसा विजन करना कि आपका सब कुछ ठीक हो गया, भगवान ने आपके कारोबार को बहुत बढ़ा दिया। कहीं दुश्मनी बहुत बढ़ गई तो फिर दोस्ती की बात करना, सदा दोस्ती का सोचना, सभी को प्यार करना,
जैसे गुरु महाराज जी कहा करते थे, अंधेरे को दूर नहीं किया जा सकता, रोशनी लाई जा सकती है। गरीबी दूर नहीं की जा सकती, अमीरी लाई जा सकती है। बीमारी दूर नहीं की जा सकती, तंदुरुस्ती लाई जा सकती है। क्रूरता दूर नहीं की जा सकती, ब्यूटी लाई जा सकती है। आप मन से, विचारों से, कर्म से, भाव से, जब एक इसकी एक स्टेट हो जाती है, मन भी आपका वही चाहता है, वाणी से भी वही कर रहे हो, कर्म भी वही कर रहे हो, इमोशनली भी वही हो, तो परमात्मा को उस चीज को आपके पास हाजिर करना ही पड़ता है। कोई दुनिया की शक्ति नहीं है कि आपकी जो चाहत हो वो पूरी ना हो, पर चाहत शुभ होनी चाहिए। जब उस चाहत में आप दूसरों का भला सोच लेते हो, समाज का भला सोच लेते हो, अपने आसपास पड़ोसियों का भला सोच लेते हो, तो शक्ति और बढ़ने लगती है। हमारे साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की, इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, आज साइंस अपनी चरम सीमा पर है, तो उन्होंने सभी का भला सोचा। कितने रिसर्च करते करते भी मर गए बेचारे, क्योंकि वो मानव का भला चाहते थे। तो मेरे विचार से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट भी किसी देवता से कम नहीं है, क्योंकि किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि वो भी सभी का भला सोचते हैं। तो आप शुद्ध में शुभ सोचें, अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आप कितनी प्रोग्रेस करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप थैंकलेस ना हो। आपका लाइफ में किसी ने भी साथ दिया है तो उसके लिए सदा थैंकफुल रहें, उसके कृतज्ञ रहें। आप याद करें उस वक्त को, तब वो व्यक्ति नहीं होता तो मैं क्या करता, तब वो व्यक्ति नहीं होता तो मेरी क्या स्थिति होती। कभी कभी एक छोटा सा किसी का सहयोग दिया हुआ आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। इसी तरह से अपने माताजी के प्रति, पिताजी के प्रति कभी भी बुरा नहीं सोचना। वो कैसे भी हैं, दुनिया में माता पिता से अच्छा कोई नहीं हो सकता। गुरु के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति सदा थैंकफुल रहना, उनको प्यार करना जितना हो सके, जितनी उनकी सेवा हो सके करना, उनके साथ चलाकी मत करना, उनको धोखा देने की बात मत करना, झूठ बोलने की बात मत करना। जिसने भी आपको कुछ सिखाया, आपको साधना सिखाई, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अगर उसके प्रति आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपका समझ लो तभी पतन शुरू हो गया। अभी आप क्लीम कालिकाय नमः मंत्र करें, जो वम रूम करना चाहते हैं वम रूम करें, पहले ऊंचे स्वर में करेंगे थोड़ी देर के लिए, इससे पूरी आपकी क्लीननेस हो जाए। इसको विरेचन क्रिया भी कहते हैं, इससे हमारे सब नेगेटिव का विनाश होता है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, ये गुरु थे, उनके पास एक शिष्य रहता था, बहुत अच्छी साधना हो गई। तो उनको कहा गुरुजी ने कि बेटा ये क्लीनिंग का मंत्र रोज करना, अपने विचारों को क्लीन करना, भाव को क्लीन करना, कर्म को क्लीन करना। तो पुरानी बात है, वो अच्छी तरह नहीं करता था, बहुत अच्छा था, बहुत सिंसियर, बहुत ऑनेस्ट। एक दिन
गुरु उदास हो गए कि इसको कैसे समझाया जाए। तो उसने भी कहा, गुरु जी मुझे कहीं भेजो, मैं थोड़ी साधना सीख के आऊं और आगे बढ़ना चाहता हूं। गुरु जी ने हिमाचल प्रदेश कहीं दूर भेज दिया। वहां गया तो दिसंबर जनवरी का महीना था, धर्मशाला में गया। वो था, एक चौकीदार था, एक रसोईया था। वहां गया, बोले गुरु महाराज स्वामी जी कहाँ हैं? बोले आ जाएंगे। वो कह के गए हैं कि वो आएगा तो इंतजार करना, आ जाएंगे। वहां के जो रसोईया थे, चौकीदार था, वो क्या करते के रोज काफी बर्तन होते हैं धर्मशाला में, आधे बर्तन निकालते, चौथा हिस्सा बर्तन निकालते, उनको क्लीन करते, फिर जो रूम बंद होते उनको क्लीन करते, फिर दूसरे दिन दूसरे कुछ बंद रूम होते उनको क्लीन करते, ऐसे टर्न के हिसाब से तीसरे चौथे दिन पूरा का पूरा सभी रूम सभी बर्तन क्लीन हो जाते। वो इरिटेट हो गया कि मुझे गुरुजी ने कहां भेज दिया। वापस चला गया गुरु के पास। कहता गुरुजी वहां तो मैं परेशान हो गया, कुछ सीखने को नहीं मिला, जे जे क्रिया होती थी वहां। गुरुजी ने कहा इसीलिए तुम्हें वहां भेजा। बोले कैसे? बोले एक जो साधारण आदमी है वो रोज बर्तनों को क्लीन करता है, पूरी धर्मशाला को क्लीन करता है, पूरे घर को क्लीन करता है, पूरे कमरों को क्लीन करता है, ऐसे हमें भी हर रोज अपने मन को, अपने शरीर को, अपने विचारों को क्लीन करना है। छोटी सी बात है, आपका वक्त ले लिया, पर आप क्लीनिंग जरूर करें, पूरे चिनक्रिया जरूर करें। कभी माता के प्रति, पिता के प्रति, गुरु के प्रति कहीं बुरे विचार आते हैं तो मन ही मन क्षमा मांग के फिर अच्छी चीजों को सोचें। एक्चुअल किसी के प्रति भी बुरे विचार ना लाएं तो आपकी ऐसे ही साधना हो जाएगी। क्लीम कालिकाए नमः, 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 क्लीम कालिकाए नमः। फास्ट करेंगे, क्लीम कालिकाए नमः, 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 क्लीम कालिकाए नमः। धीरे धीरे जाप करें, मन में जाप करें। जैसे दोस्तों मन में जाप करते हो, मैं कहता हूं कि आपके लिप्स भी ना हिलें। सबसे उच्च श्रेणी का ये जाप है। इसके साथ अगर आप खेचरी मुद्रा करते हैं तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। खेचरी मुद्रा आसान है, पहले भी आपको बताई है, फिर आज कहता हूं। अपने मुंह को जैसे बंद कर लिया तो अपनी जीभा को तालू के साथ लगा ली।
कैसे जी बात आलू के साथ लगती है, आपके मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है, आप आज्ञा चक्र के साथ सहस्त्रदल चक्र से भी जुड़ जाते हैं। जैसे आप संसार से जुड़ते हैं तो आपके ब्रेन से, माइंड से, कुछ भी कहें, ऐसे रस उत्पन्न होने लगते हैं जो आपकी कायाकल्प कर देते हैं। वैसे भी कभी आप परेशान हो, कुछ मुश्किल हो, तो चुपचाप 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए गुरु मंत्र का जाप करके खेचरी मुद्रा को करना, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे। मन में अपने इष्ट का ध्यान करें, खेचरी मुद्रा, अपनी जीभ को तालू के साथ जोड़ देना। बहुत अच्छी मुद्रा है। अपने इष्ट का ध्यान करें, माता जी का करें, विष्णु भगवान का करें, जिनको भी आप मानते हो, श्री साईं बाबा जी का करें, मां लक्ष्मी का करें, शंकर भगवान का करें, जो भी आपसे हो सकता है उसको करें। थोड़ी गहरी सांस लेते रहें और प्रैक्टिस करें कि सांस आपकी पेट तक लें, नाभि तक लें। जब भी सांस लें, पेट तक लें, नाभि तक लें। जैसे हम जहां तक सांस लेते हैं तो सांस अधूरी रहती है, पेट तक सांस लेते हैं तो आपकी डीप ब्रीथिंग जैसे करते हैं तो हमारे चक्राज को, हमारी बॉडी को बहुत शक्ति मिलती है। शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे, ऐसे मध्यम अंगुली को आंख के ऊपर रख के अंगूठे से कान, अंगूठा कान पर रखेंगे दोनों। आज्ञा चक्र पे ध्यान, ऐसे मुद्रा को करते रहें। धीरे धीरे हाथ उठाएं, आंख खोलें, हाथों को देखें और टच करें अपने फेस पे।
देखते होंगे जैसे आप मंत्र जाप करते हो, आप थोड़ा डीपली जाते हो, आप अलग होने लगते हो आपके शरीर से। इसको संत पुरुषों ने साक्षी भाव कहा। आप साक्षी होके देखने लगते हो कि क्या हो रहा है, मैं अपने शरीर से अपनी बॉडी से अलग हो रहा हूं, मैं उस परमात्मा के साथ एकाकार हो रहा हूं, मैं माता जी के दर्शन कर रहा हूं, हे माँ आपने मुझे दूसरा जन्म दे दिया, माँ माँ इतनी कृपा कर दी, माँ इतनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी, मेरे इष्ट देव, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर। आप देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। बहुत से लोगों का प्रश्न आता है बार बार, मुझे भी होता था शुरुआत में, कि जब हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सत्संग में जाते हैं, हमें बहुत से उलझुल विचार आने लगते हैं, क्या करें। विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, आते हैं विचारों को आने दें, उनको आपका क्या नुकसान कर रहे हैं, साक्षी भाव से देखते रहें उनको। आपके मन में गंदे से गंदा विचार आया, आप चोरी कर रहे हो, चोरी करना चाहते हो, आपके मन में विचार आया किसी का मर्डर करना चाहते हो, आपके मन में विचार आया वो व्यक्ति डाउन हो जाए, आपके मन में विचार आया उसका कारोबार बंद हो जाए, आपके मन में विचार आ रहा है वो मेरे से तरक्की ज्यादा क्यों कर रहा, तो आपको पता है कि ये विचार शुभ नहीं है, अच्छे नहीं है, आ रहे हैं। ध्यान में विचार आना सबसे बड़ी बाधा है। विचार अच्छे हों या बुरे हों इससे फर्क नहीं पड़ता। जब हम विचार रहित हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, मन अमन हो जाता है, मन रहता ही नहीं है, तब हम ध्यान को उपलब्ध होते हैं। ध्यान मतलब कुछ नहीं करना। आप जैसे ही विचारों को साक्षी भाव से देखेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे, आप हैरान होंगे कि धीरे धीरे आपके विचार आने बंद हो गए, ऑटोमेटिकली बंद हो गए। फिर धीरे 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 आप अपने इष्ट के साथ और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे इष्ट आपका संकल्प पूरा करेंगे, आपका अपने गुरु के साथ और प्यार बढ़ेगा, अपने इष्ट के साथ और प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा, तो फिर आप सहज ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे। सहज ध्यान, आपको ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी है, वैसे भी कोशिश से ध्यान नहीं होता। आप जो भी कर रहे होंगे उसको ध्यान से करेंगे, वो भी आपकी मेडिटेशन हो जाएगी। कुछ भी बैठे होंगे सीधा अपने इष्ट के साथ चले जाएंगे। जैसे बच्चों का प्यार होता है, जब भी वो 15, 20, 25 साल से ऊपर होते हैं, होने लगते हैं, तो उनको 2 मिनट भी मिलते हैं तो अपने फ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को ढूंढ के फोन कर लेते हैं, फिर रख देते हैं। कुछ और कर रहे होते हैं फिर भी उनका ध्यान अपनी प्यार की ओर, दोस्ती की ओर होता है। छोटा बच्चा देखो, कुछ भी कर रहा हो, खेल रहा हो, शरारत कर रहा होगा, तो हमें लगता बच्चा खेल रहा है, उसको पता नहीं है उसकी माँ बैठी है, पापा बैठे हैं, जैसे इधर उधर होंगे रोने लगेगा, क्योंकि उसका अंदर से ध्यान उधर ही होता है ना। तो
आपका भी जब प्यार हो जाएगा तो आपका ध्यान भी उधर ही रहेगा। आप ऐसे ही अपने इष्ट के प्रति और उनके चरणों में समर्पित हुए और उनके साथ प्यार का रिश्ता बनाएं। जैसे माँ भगवती है तो माँ का रिश्ता है, बात खत्म हो गई, माँ से बड़ा कोई नहीं होता। गणेश भगवान है, शंकर भगवान है, पिता का रिश्ता बनाए, सखा सखी का रिश्ता बनाए, आपको बहुत आसान हो जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है आप अपने गुरु महाराज जी के चरणों में जाएं, पूछें कि ये दिक्कत आ रही है। मेरे विचार से सबसे पहले आप अपने दुनिया के जो संकल्प हैं उनको सिद्ध करें। अच्छी मैरिड लाइफ, अच्छे बच्चे, अच्छा परिवार, अच्छा घर, और उसके साथ साथ तरक्की करते 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 आप भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। जैसे कहीं लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, कहीं रास्ते में फूल हैं, ग्रीनरी है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी आएगा, आपको पता ही नहीं चलता, फूलों को ग्रीनरी को एंजॉय करते करते अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। ऐसे आप दुनियादारी के कामों को एंजॉय करते करते भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। ईमानदार रहें, सिंसियर रहें। फिर मैं एक बार कहता हूं कि जब आप थैंकलेस होते हो, आप मैंने तो कितने लोगों को अपने माता के प्रति, पिता के प्रति बहुत थैंकलेस देखा है, वाइफ के प्रति, हस्बैंड के प्रति बहुत थैंकलेस देखा है, गुरु के प्रति बहुत थैंकलेस देखा है, तो नहीं, वो फिर व्यक्ति किसी का भी नहीं हो सकता जो अपने माता की निंदा करता है, पिता की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है, तो वो आदमी ही नहीं हो सकता। अभी हस काल लहरीम का जाप करेंगे, हस काल लहरीम, 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 हस काल लहरीम। ऐसे 5 मिनट के लिए जाप करें। धीरे धीरे मन में जाप करना शुरू करें। ये आपको सिखाने के लिए है दोस्तों, आप इसकी रोज प्रैक्टिस करें। मेरे साथ इतने टाइम बैठने से कुछ नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बात बनेगी। ह स क ल ह री, फिर आप खेचरी मुद्रा करेंगे, पीछे आपके नाभि चक्र को ठीक करने के लिए कहा था, आप नाभि चक्र की ओर ध्यान कर देते रहे तो, पर कम टाइम दें। नाभि चक्र के बाद हार्ट चक्र को कैसे ठीक करना, हार्ट चक्र, हृदय चक्र, प्रेम का चक्र, करुणा का चक्र, दया का चक्र, रहम का चक्र। जैसे जैसे हार्ट चक्र जागृत होता है आप बहुत दयालु कृपालु हो जाते हो, क्षमा करने की शक्ति बहुत आती है आप में, क्षमा मांगने की शक्ति भी बहुत आती है, आपको होश नहीं रहती मैं छोटे बच्चे से माफी मांग रहा हूं, गलती तो बड़ा भी कर सकता है ना। माफी देना, माफ करना, क्षमा देना, क्षमा करना, जब आपको आ जाता है तो समझ लीजिए ऊपर वाला आपसे खुश होने लगा, क्योंकि आपके कर्मों की सजा देने के लिए या इनाम देने के लिए ऊपर बैठा है ना। हम कौन होते हैं किसी को सजा देने वाले। आप खेचरी मुद्रा करते हुए आगे चक्र पे ध्यान करें, मन में हस काल हरी, और जिनके पास
उनके गुरु जी का मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसको करें। मंत्र जाप करना बंद कर दें। अज्ञा चक्र पे ऐसे ध्यान करते रहें, अपने इष्ट का ध्यान करते रहें। अगर कभी कभी आप बंद करते हो तो मंत्र जाप हो जाता है, तो जबरदस्ती नहीं करनी है, रोकना नहीं है, होने देना। अपने इष्ट के चरणों में चले जाएं। उनके पांव को जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फूलों से श्रृंगार करें उनका। वस्त्र अर्पण करें, आभूषण अर्पण करें, मन ही मन अच्छा इत्र अर्पण करें, दीपक जला दें। दीपक ही दीपक हैं उनके पास, फूलों से लदे हुए हैं वो, ऐसी भावना करें। उनकी गोदी में, उनके चरणों में सिर रख दें, उनको अपनी कथा व्यथा कहें, जो भी कहना चाहते हैं। धीरे धीरे आपका जो संकल्प है, आपका जो गोल है, उसके बारे प्रार्थना करें अपने गुरु महाराज जी से, अपने इष्ट देव से। आपका संकल्प पूरा हो गया, आपका गोल पूरा हो गया, उसकी भावना करें, महसूस करें कि जो चाहते थे हो गया। थोड़ा मुश्किल है तो इसको फील करें, मन वचन कर्म भाव से इसको फील करें। जैसे जैसे आप फील करेंगे, आपको जो आनंद आने लगेगा उसको महसूस करें। मयूर पंख मुद्रा करें, आप जानते हो मयूर पंख मुद्रा। दोनों हाथों को ऐसे आंखों के ऊपर रखना, रखने के पश्चात इतना प्रेशराइज नहीं करना, आंखों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना कि आंख को दर्द होने लगे। जैसे मोर का पंख आंखों पे रखें, ऐसे ही हाथों को रखना, कि मोर के पंख को कितना भी जोर लगाओगे आंख पे प्रेशर नहीं डालेगा। और अपने संकल्प को, अपने गोल को महसूस करते रहें। इस मुद्रा को
तीन मिनट तक करने की कोशिश करनी है और रात को सोने से पहले भी इस मुद्रा को करना है। बिल्कुल अंधेरा रूम हो तो इसकी करने की शक्ति और बढ़ जाती है। आप महसूस करेंगे जैसे ये मुद्रा सही ढंग से होने लगती है तो पूरे रूम में रोशनी रोशनी हो जाती है, आपके अंदर की रोशनी भी जागृत हो जाती है। इससे आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। शुक्रिया करें, थैंक्स करें अपने गुरु महाराज जी का, अपने इष्ट देवता का, अपने माता पिता जी का। मन मन थैंक्स करते रहें। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे माता रानी, आपने बहुत कृपा की, बहुत कृपा की गुरुदेव। हम इस काबिल नहीं है, आपने अपने चरणों में बिठाया गुरु महाराज। जो जो भी आप पे कृपा हुई है उसके लिए धन्यवाद करें। धीरे धीरे हाथ उठा लें, आंख खोलें, हाथों को देखें, ऐसे पूरे फेस पे, चेस्ट पे टच करें और अंजलि मुद्रा करें आशीर्वाद के लिए। ऐसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। महारानी बहुत बहुत कृपा करें, खुश रहें, आपके संकल्प पूरे हों, गोल पूरे हों, परिवारों में सुख शांति हो, विश्व में सुख शांति हो। लास्ट में फिर आपके भीतर बैठी हुई उस परमात्मा की शक्ति को प्रणाम करता हूं। जय माता दी।